जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, वैसे ही ये 21वीं सदी के राजा हैं। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती फुला के आते थे, देखा था आपने, 56 इंच गायब हो गई ना, 56 इंच की छाती। जम्मू कश्मीर के लोगों को ना रोजगार मिलता है, ना फायदा होता है, और यहां आपके जो राजा बैठे हुए हैं वो पूरा का पूरा फायदा बाहर के लोगों को दिलवा रहे हैं। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाए गए, उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश, काफी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया, झारखंड नया बना, पहले बिहार हुआ करता था, बिहार में से झारखंड बना, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना। मगर पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। मतलब जब हम यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते हैं या हम स्टेट को बांटते हैं तो हम लोकतंत्र को गहरा करते हैं, अधिकारों को और गहराई से पहुंचाते हैं। मगर जब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है, और आपके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ यह अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट के लोगों से उनके अधिकार छीनकर उनको यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में बहुत फर्क होता है। स्टेट में असेंबली होती है, लोगों की आवाज होती है, उनके अधिकार होते हैं, और स्टेट के लोग अपने स्टेट को चलाते हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, बिजनेस हो, माइनिंग हो, जो भी है, स्टेट के लोग स्टेट को चलाते हैं, और स्टेट के लोग अपनी असेंबली में अलग अलग कानून बनाते हैं। 1947 में हिंदुस्तान ने राजाओं को महाराजाओं को परे करके लोकतांत्रिक अधिकार हमारी जनता को दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन उसका चिन्ह है। पहली बार एक स्टेट से उनका अधिकार छीना गया है, और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं, मगर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। और मैं आपको यहां बताने आया हूं कि बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले मामला तय हो जाए और चुनाव से पहले
जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, मगर बीजेपी नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव करो, ठीक है, मंजूर है, मगर स्टेटहुड मिलेगा। आप देखना, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले, हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर, कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना है। यहां पे कहा जाता है कि एलजी जम्मू एंड कश्मीर को चलाता है, बट सचमुच में वो एलजी शब्द गलत है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, वैसे ही ये 21वीं सदी के राजा हैं। जो ये करना चाहते हैं करते हैं, जो भी करना चाहते हैं करते हैं। और सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ना रोजगार मिलता है, ना फायदा होता है, और यहां आपके जो राजा बैठे हुए हैं वो पूरा का पूरा फायदा बाहर के लोगों को दिलवा रहे हैं, चाहे वो आपके स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हो। बिजली का पैसा आपसे ले लेते हैं, बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा देते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, मगर आपका अधिकार ले लेंगे, आपके जो यहां के बिजनेस हैं उनको दबा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दे देंगे, और पूरा का पूरा फायदा या बीजेपी आरएसएस के कनेक्टेड लोगों को, बाहर के लोगों को मिलता है। और यह लड़ाई सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, यह पूरे देश में लड़ाई चल रही है। पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, मगर ये पूरे देश में हो रहा है। मणिपुर में देखिए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारे की सारी संस्थाओं पर ये कब्जा कर रहे हैं, और पूरा का पूरा फायदा दो तीन उद्योगपतियों को देते हैं। ये देखिए, आप नाम जानते हैं, क्या नाम है उनके? अच्छा, नई चीज बोली है। मैं पार्लियामेंट में भाषण कर रहा था, मैंने भाषण में अदानी अंबानी का नाम लिया, और मुझे कहा जाता है कि पार्लियामेंट में अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया जा सकता। कमाल की बात है, एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है, सड़कों पे लगाया जा सकता है, पोर्ट्स पे लगाया जा सकता है, हर धंधे में उनका नाम दिखाई देता है, चाहे वो सेब का धंधा हो, सब जगह उनका नाम दिखता है, मगर पार्लियामेंट में उनका नाम विपक्ष नहीं ले सकते। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है भैया, आप कहते हो कि अंबानी अदानी का नाम नहीं ले सकता, तो कुछ तो कहना पड़ेगा, क्या कहूं उनको? तो फिर मैंने स्पीकर सर से कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी अंबानी का नाम ना लूं, तो फिर मैं वो उनको A1 A2 कह देता हूं, कहना तो पड़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई है। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन तीन चार लोगों को मिलते हैं,
अमित शाह के जो बेटे हैं कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। तो 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, बाकी स्टेट्स की जनता चुप रहेगी। आपने देखा होगा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती फुला के आते थे, देखा था आपने, 56 इंच गायब हो गई ना 56 इंच की छाती। इंडिया गठबंधन ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस उड़ा दी, बिल्कुल उड़ा दी। वो आपको तो दूर से दिखते हैं ना, मैं तो पार्लियामेंट में उनके सामने बैठता हूं तो मुझे तो डायरेक्ट दिखता है हो क्या रहा है। बिल्कुल पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस खत्म हो गई। जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच छाती वाले, वो है नहीं, खत्म हो गए वो, उनकी कॉन्फिडेंस गई। आज मैं आपको बताता हूं जो ऑपोजिशन चाहता है वो इनकी सरकार करती है, दम नहीं रहा इनमें। लैटरल एंट्री की बात की इन्होंने, कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे, अमीर लोगों को कैसे लाओगे, गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे, हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है, जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे, और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। लड़ाई विचारधारा की है, एक तरफ नफरत हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत भाईचारा। पूरे देश में ये लोगों को बांटते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम से मुस्लिम को सिख से, सिख को क्रिश्चियन से। फिर हरियाणा में जाट नॉन जाट, मणिपुर में किसी और को लड़ा देंगे, उत्तर प्रदेश में किसी और को लड़ा देंगे, जहां भी ये जाते हैं, या एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक धर्म को दूसरी धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे। तमिलनाडु में जाके कहते हैं भैया आप तमिल नहीं बोल सकते, आप हिंदी बोलोगे। तो जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, और लक्ष्य है कि 2-3 लोगों को पूरा का पूरा हिंदुस्तान का धन पकड़ा दिया जाए। जनता को लड़ाओ, नफरत फैलाओ, और A1 और A2 को हिंदुस्तान के सारे बिजनेस पकड़ा दो। नोटबंदी उनके लिए की, गलत GST उनके लिए लागू की, और हमने क्या किया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। 4,000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता फारूक अब्दुल्ला जी आए, इंडिया गठबंधन के लोग आए, 4,000 किलोमीटर हम चले। क्यों? नफरत को मिटाने के लिए, हिंसा को मिटाने के लिए। और मैंने पार्लियामेंट में कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये खोखले हैं, इनमें कोई दम नहीं है, डरपोक ही है। 4,000 किलोमीटर चले, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं हम वहां जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, और यही काम हम जम्मू कश्मीर में करेंगे। जम्मू कश्मीर को भाईचारे की जरूरत है, प्रगति की जरूरत है, और आपसे ये जो स्टेटहुड छीना गया है ये पहला कदम है।
सारे के सारे छोटे बिजनेसेस खत्म कर दिए, जम्मू कश्मीर में किए, बाकी हिंदुस्तान में किए। बैंक के दरवाजे उनके लिए बंद है। आप सोचिए, 22-25 अरबपति हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। और जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एक रुपया कर्जा माफ नहीं होता है। तो ये नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, अन्याय भी फैलाते हैं, और इससे ना देश का फायदा होगा, ना जम्मू कश्मीर का फायदा होगा। सरकार चले तो सबकी सरकार हो, उसमें कमजोर लोगों की कशेर हो, छोटे बिजनेसेस की रक्षा हो, जो खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, उनकी रक्षा हो, उनको भी फायदा मिले, ऐसी सरकार हम यहां चलाना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है, मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीतने जा रहा है, और वो दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन न्याय के लिए लड़ रहा है। और जैसे फारूक साहब ने कहा, बहुत सारे लोग बीच में डिवीजन करने, कंफ्यूजन फैलाने घुसे हुए हैं। आप याद रखिए, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सीधी सी बात है, लड़ाई इन दोनों के बीच में है। डिवीजन नहीं होना चाहिए, मिलकर इनको हराना है। जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं, आपको कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन करना है, और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा दम लगा के समर्थन करना है। स्टेटहुड का मामला है, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार का, सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। आप जानते हो मेरा आपसे क्या रिश्ता है, और यह मैंने एक दिन में आपको नहीं दिखाया है। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है, यह राजनीतिक रिश्ता नहीं है, यह पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, यह बहुत पुराना रिश्ता है, और जो भी आप मुझसे चाहें, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं पार्लियामेंट में आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूं, कि देश को पता लगे कि पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आखिरी बात, जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर, मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं
कि सब लोग मिलकर भाईचारे के साथ आगे बढ़े। मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर में खुले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने पहले भी शिकायत की थी, अभी मैं शिकायत करना चाहता हूं मीर साहब से कि आप मुझे यहां बुला लेते हो, चुनाव में बुला लेते हो, इतनी सुंदर जगह बुलाते हो, फिर कहते हो आपको एक घंटे में जाना है। तो अगली बार आप मुझे यहां बुलाओ तो दो तीन दिन के लिए बुलाओ और लोगों को ठीक से, कि मैं लोगों के साथ ठीक से मिल पाऊं, क्योंकि ये जो 45 मिनट एक घंटे का काम होता है इसमें मजा नहीं आता मुझे। और फिर मुझे लगता है कि भाई ऐसी सुंदर जगह आया हूं। अभी फरूख साहब से मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में जहां भी जाओ सुंदर जगह एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक सुंदर जगह आपको दिखती है। तो अगली बार मीर साहब दो तीन दिन के लिए बुलाइए मुझे और जनता के साथ, मतलब हाँ उस पहाड़ पे ले चलिए मुझे। क्या कहते हैं? ब्रायरी गिरी। जो अगली बार राहुल जी आएंगे इनको ब्रायरी गिरी पर ले जाएंगे, वहां पर जहां देसा कपड़ा रोड बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।